हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के टॉपिक मैट्रिक्स की। क्लास ट्वेल्थ का ये टॉपिक मैट्रिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स दो चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन से ये टॉपिक बना है और इसका वेटेज क्लास ट्वेल्थ में 13 मार्क्स का है। तो आइए हम समझते हैं कि व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। बेसिकली मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, और वी कैन से इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। तो एलिमेंट्स, मान लीजिए कि आपके पास 6 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई और एफ। इन 6 एलिमेंट्स को आप जमाना चाहते हैं रोज और कॉलम्स में, तो आप इसको जमा सकते हैं इस तरह से, ए बी सी डी ई एफ। मैंने इसे इस तरीके से अरेंज किया, या फिर आप चाहें तो इसे इस तरीके से अरेंज कर दें, ए बी डी सी ई एफ। अभी हम ऑर्डर पे ध्यान नहीं दे रहे कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर बोले तो ऑर्डर मींस नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आप इधर देखिए, हमने इन 6 एलिमेंट्स को 3, 1, 2, 3 कॉलम्स और 2 रोज में अरेंज किया है, तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। इसे हमने यहाँ अरेंज किया है ए बी डी सी ई एफ। तो ये एक रो, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। तो ये इसका ऑर्डर होगा 3/2। तो हम दो चीज़ें ध्यान से देखें कि अगर ए बी सी डी ई एफ को किसी भी ऑर्डर में अगर जमाएं, परम्यूटेशन पे ध्यान ना दें, तो आप किस किस ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर के मेट्राइसेस लिख सकते हो। तो जैसे आपने देखा कि हमने इसे 2 रो और 3 कॉलम में जमाया, बिकॉज देवर 6 एलिमेंट्स, यहाँ पर 3 रो और 2 कॉलम में जमाया। चाहे तो हम इसे 1 कॉलम में जमा दें, ए बी सी ई एफ डी। ऑर्डर पे, ऑर्डर मतलब इसके ऑर्डर पे, इसके अरेंजमेंट पे आप ध्यान ना दें कि ए बी सी डी ई एफ का क्या होगा, अदरवाइज दे विल हैव 6 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशन पे अगर आप ध्यान ना दें, देखिए क्या ऑर्डर बना इसका आप, तो कितनी रोज बन गई आपके पास, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 और ये बन गई आपकी रो 6। तो 6 रोज एंड देर इज ओनली 1 कॉलम, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 6/1। अब आपके दिमाग में एक और विचार आ रहा होगा कि हम ए बी सी डी ई एफ को ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी नोन एज अ मैट्रिक्स। इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेट, सेट से थोड़ा अलग होता है। सेट में एक बार इनका पोजीशन फिक्स हो गई तो आप इनकी पोजीशन को इंटरचेंज नहीं कर सकते, सेट के अंदर पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका ऑर्डर आप देखिए,
एक रो और छह कॉलम. देयरफॉर ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1/6. तो आपने देखा कि इफ वी हैव सिक्स एलिमेंट्स, तो सिक्स एलिमेंट्स को किन किन ऑर्डर्स में आप अरेंज कर सकते हो. तो दे मे बी अरेंज्ड इन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/6, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, 3/2 एंड 6/1. मान लीजिए कि आपके पास केवल तीन एलिमेंट्स हैं, तो तीन एलिमेंट्स को आप या तो एक रो में लिख सकेंगे या फिर एक कॉलम में लिख सकेंगे. आप उसे इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में ब्रेक नहीं कर सकते. तो मैट्रिक्स में आपने देखा कि एलिमेंट्स कैसे अरेंज होते हैं. तो एलिमेंट्स अरेंज करने के अलग अलग हमने तरीके देखे रोज और कॉलम्स में. तो पहली वाली ध्यान से देखिए, अ मैट्रिक्स यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, लाइक दिस. तो हमने एक मैट्रिक्स को लिखने की कोशिश करते हैं. दिस इज अ मैट्रिक्स कैपिटल ए. अब इसको लिखने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, राउंड ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से जो चाहे वो ब्रैकेट यूज़ करें. अगर आप मान लीजिए कि एक स्क्वायर ब्रैकेट हम डिज़ाइन करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट डिज़ाइन किया, ये आप समझे ये कौन सी रो होगी. तो ये होगी पहली रो, रो नंबर वन, रो नंबर वन, रो नंबर टू, रो नंबर थ्री, लाइकवाइज रो नंबर एम. अगर बीच में कुछ रोज आती हैं, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ आप समझे कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू, कॉलम नंबर थ्री, कॉलम नंबर एन. तो सपोज इफ यू हैव अ मैट्रिक्स विच इज हैविंग एम रोज, नंबर ऑफ रोज एम एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एन, देन देयर एलिमेंट्स शुड बी रिटन लाइक दिस. तो उसके एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे. तो ये पहली रो और पहले कॉलम का है, तो इसको लिख दें ए वन वन. दिस फर्स्ट सबस्क्रिप्ट इंडिकेट्स रो एंड सेकेंड इंडिकेट्स कॉलम्स. ए आई जे, ए आई जे में आई क्या डिनोट करता है, रो, और जे डिनोट करता है कॉलम. तो इसमें देखें आप, दिस इज द एलिमेंट लाइंग इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पोजीशन, देन द एलिमेंट इज ए वन वन. अब दूसरा देखिए, दिस एलिमेंट विल बी ए वन टू. वाई, बिकॉज इट इज लाइंग इन फर्स्ट रो एंड इन सेकेंड कॉलम. सिमिलरली दिस एलिमेंट विल बी ए वन थ्री, लाइकवाइज ए वन एन फर्स्ट रो एनथ कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ दिस रो मीन्स सेकेंड रो विल बी ऑफ दिस फॉर्म ए टू, एंड बींग इन फर्स्ट रो इट इज कॉल्ड ए टू वन. सिमिलरली दिस विल बी नोन एज ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू एन, ए थ्री वन, ए थ्री एन, और लास्ट वाली रो के एलिमेंट्स ए एम वन, ए एम टू, ए एम थ्री, ए एम एन, और बीच में काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे. इट डिपेंड्स अपॉन एम एंड एन एंड ऑर्डर ऑफ दिस. तो ऑर्डर हमेशा वैसे यूजुअली सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं, तो इसका ऑर्डर यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन. जैसे प्लॉट का साइज होता है,
30 बाय 40, 20 बाय 60, 20 बाय 40, इस टाइप का है m बाय n. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाय 3, देन ऑर्डर इज 2 बाय 3. अब आप इसको 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 नहीं लिख सकते. दिस विल रिमेन एज इट इज 2 बाय 3 एंड इट विल बी रेड एज 2 बाय 3. ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 बाय 3. सिमिलरली हियर वी आर हैविंग ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स m बाय n, m बाय n ऑफ दिस मैट्रिक्स. एंड टू डिनोट दिस कंप्लीट मैट्रिक्स इन अ वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्म, बहुत छोटे से रूप में अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो यहां पे लिख दीजिए कि एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर ऑफ द फॉर्म ए आई जे, वेयर आई इंडिकेट्स रो एंड जे इंडिकेट्स कॉलम. और इस मैट्रिक्स का एक्सपेंशन आप किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए यहां पे लिख देंगे हम m बाय n, मतलब इस मैट्रिक्स में m रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे. अगर इसको और समझना चाहें तो एक और मैट्रिक्स मैं लेता हूं आपके लिए. लेट्स हैव अ मैट्रिक्स कैपिटल B हुज एलिमेंट्स आर डिनोटेड एज बी आई जे, बी आई जे, बी जे के, कुछ भी लिख सकते हैं आप. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आई और जे, बट यूजुअल नोटेशन से आई और जे. टू बाय टू, टू बाय टू मतलब इट शुड हैव टू रोज एंड टू कॉलम्स. तो आप एक ऐसा मैट्रिक्स डिजाइन करें जिसमें दो रो और दो कॉलम, तो दो कॉलम और दो रो के शेप का एक मैट्रिक्स आप ले लें. ब्रैकेट आप राउंड ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, इट इज अप टू यू. दो बाय दो, दो रो, रो दो कॉलम, इस टाइप का एक मैट्रिक्स लिया. अब इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा, बी वन वन, इस पे आएगा बी वन टू, बी टू वन, इस पोजीशन में आएगा बी टू टू. क्यों? क्योंकि ये टू बाय टू का था. अब अगर कोई आप एक नया मैट्रिक्स डिजाइन करना चाहते हैं कैपिटल सी, उसके एलिमेंट है सी जे के, थ्री बाय टू, तो इसका ऑर्डर होगा थ्री क्रॉस टू, इट शुड हैव थ्री रोज एंड टू कॉलम्स. तो आप एक सी डिजाइन करें, तीन रोज और दो कॉलम, तो ये साइज बड़ा, ये साइज छोटा, ये आएगा C11, C12, C21, C22, C31, C32. Order is 3 cross 2. Similarly, you can design any matrices. अब आप देखिए कि एक मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो अब आप देखें आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या तरकीब है. तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. सपोज इफ़ यू आर अ गिवन, इफ़ यू आर गिवन अ मैट्रिक्स लाइक दिस 231409127 और एक कॉलम और बढ़ा दें 012, तो आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो ऑर्डर आप देखो, इट इज हैविंग थ्री रोज, वन टू थ्री, कॉलम्स फोर, देयरफॉर ऑर्डर इज थ्री क्रॉस फोर, थ्री बाय फोर. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेंगे तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर बीइंग सीन टू यू, इट इज हैविंग थ्री फोर जार 12 एलिमेंट्स. अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ए टू थ्री, ए टू थ्री, तो ए टू थ्री के लिए दिस एलिमेंट विल बी ऑफ, विल बी फ्रॉम सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम. तो सेकेंड रो, दिस सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम,
दिस इज द एलिमेंट, देयरफॉर ए टू थ्री इज 9. अगर आपसे पूछें कि व्हाट इज ए वन वन प्लस ए थ्री थ्री, ए वन वन तो आप देख लें, ए वन वन इज व्हाट, ए वन वन इज टू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम टू, ए थ्री थ्री थर्ड रो थर्ड कॉलम इज 7, 2 प्लस 7 इज 9, 2 प्लस 7 इज 9. और कभी आपसे ऐसा पूछें कि व्हाट इज ए फोर टू, एलिमेंट ऑफ फोर्थ रो एंड सेकेंड कॉलम, तो आप देखिए इट इज हैविंग ओनली 3 रोज, इट इज नॉट हैविंग फोर्थ रो, देयरफॉर वी शैल से ए फोर टू डज नॉट एग्जिस्ट. तो आपने देखा कि एलिमेंट्स किस तरह से मैट्रिक्स में आइडेंटिफाई होंगे और एलिमेंट की क्या क्या पोजीशन होंगी. तो ये हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया. अब हमें कभी अगले टाइप में देखते हैं कि फॉर्मेशन किस तरह से होता है एक मैट्रिक्स का. तो अब हम देखें फॉर्मेशन कैसे होगा. मान लीजिए कि आपको एक मैट्रिक्स दिया ए हुज एलिमेंट्स आर रिटन एज ए आई जे ऑफ ऑर्डर 3/2, और ए आई जे की वैल्यूज निकालने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया आपको 2i+3j. तो आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस मैट्रिक्स को डिजाइन करिए. तो लेट अस सी हाउ इट कैन बी डिजाइंड. सॉल्यूशन, कैपिटल ए, इट इज हैविंग 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, देयरफॉर डिजाइन इन सच अ वे दैट इट कैन अकोमोडेट 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. दिस एलिमेंट इज A11, दिस इज A12, A21, A22, A31, A32. अब आप वैल्यूज निकालना चाहते हैं, तो वैल्यूज निकालने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है आपके पास. A11 का वैल्यू आप इससे निकालिए, रिप्लेस i/1 एंड j/1, तो ये बनेगा आपका 2 × 1 + 3 × 1. ए अब इस वैल्यू को निकालना है आपको, सॉरी A12 को. तो A12 के लिए आप क्या करें, A12 के लिए आप इसमें i की जगह 1 और j की जगह 2 लिख दें, तो होगा 2 × 1 + 3 × 2. A21 के लिए आप i की जगह 2, j की जगह 1, 2 × 2 + 3 × 1. 2 निकालने के लिए यहाँ 2 लिख दो, 2 × 2 + यहाँ भी 2, 3 × 1, इससे ही कैलकुलेट करें, 3 × 2. और एट लास्ट इसे कैलकुलेट कर लें. तो कैलकुलेट करेंगे तो यू विल फाइंड कैपिटल ए इज इक्वल टू 2 + 3 = 5, 2 + 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, 6 + 2 = 8, 2 × 4 + 3 = 7, 2 × 4 + 3 = 6 = 10, 6 + 3 = 9, 6 + 6 = 12. So this is the technique by which you can form a matrix. एक तरकीब जिससे आप मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं. तो अभी हमने देखा कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आप आइडेंटिफाई उनकी पोजीशन के बेसिस पे किस तरह से करते हैं, और देखा हमने कि एक मैट्रिक्स किस तरह से फॉर्म किया जा सकता है.
अब ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, मैट्रिसेस आर डिवाइडेड इनटू सर्टेन टाइप्स. तो सबसे पहले आप देखें इन्हें कि रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन रो, कंटेन्स वन रो. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल भी मैं यहां लिख देता हूं, 2 1 4 3 2. देखिए आप, 1 by 3 1 by 2, तो ये हो गया रो मैट्रिक्स. अगर कॉलम मैट्रिक्स निकालना हो तो आप समझ चुके होंगे कि कॉलम मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स है, कंटेन्स वन कॉलम. और उसका एग्जांपल है 3 1 4 0 0, ये है कॉलम मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और रेक्टेंगल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. फॉर एग्जाम्पल, 2 1 3 0 1 2 1 2 1 0 3 1 4 2 1. अभी ये नहीं है, लेकिन अब हम इसे और बढ़ा देते हैं, ये बन गया आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और रेक्टेंगल मैट्रिक्स. अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स विल हैव इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. फॉर एग्जाम्पल, 2 1 4 0 0 कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर मैट्रिसेस आर डिवाइडेड इनटू सर्टेन कैटेगरी एंड दीज आर रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स. इनके आगे भी है, इनके आगे देखिए आपको है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या चीज होती है? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल. स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हुज डायगोनल कंटेन्स at least one non-zero elements and other than diagonal all elements must be zero. For example, A is a matrix called diagonal matrix. Kab? Jab diagonal mein 1 2 0 0 0 few elements can be zero, few elements of diagonal can be zero. It is not necessary that all elements should not be zero, few can be zero.
बट एट लीस्ट वन शुड बी इन डायगोनल विच इज़ नॉट जीरो. और इसमें आप देख रहे होंगे कि देयर मे बी टू डायगोनल्स, बट इन मैट्रिक्स ओनली दिस डायगोनल इज कंसीडर्ड. दैट इज़ वाई दिस डायगोनल इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल और लेटेंट डायगोनल, छुपा हुआ डायगोनल, मुख्य डायगोनल, गुप्त डायगोनल. तो ये डायगोनल है. जब भी हम बोलेंगे डायगोनल तो इसका मतलब है इसी डायगोनल से हमारा मतलब है, इस डायगोनल का यहाँ कोई मतलब नहीं है. दूसरा एग्जांपल देखिए आप, b इज इक्वल टू 2002, c इज इक्वल टू 100010001. ये आप सारे एग्जांपल देख रहे हैं डायगोनल के. इसे आप एक्सटेंड करना चाहें और बढ़ाना चाहें, 4x4 का बनाना चाहें, 4x4 का भी हो सकता है, ये हो गया. तो ये सारे आपने एग्जांपल देखे जो डायगोनल मैट्रिक्स के हैं. डायगोनल के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स आता है यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स, तो ये यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल कंटेन्स ओनली वन एंड सो ऑन एंड अदर देन डायगोनल ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो. जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे कि ये अगर इस तरह का है देन दिस इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स. तो इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसके डायगोनल में देखिए आप क्या है, डायगोनल में सारे एलिमेंट्स 1 1 1 है और बाकी सब जगह 0 है. एंड इट इज डिनोटेड बाय आई और आई एन. इट इज डिनोटेड बाय आई और आई एन. आई से भी डिनोट कर सकते हैं और आई एन से भी डिनोट कर सकते हैं. देखिए जैसे कि हमने लिखा आई टू का मतलब है 2x2 का एक यूनिट मैट्रिक्स. तो 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स 1001. इसको ज़्यादातर लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से पढ़ते हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये आइडेंटिटी एलिमेंट जैसा एक्ट करता है. आई थ्री होगा 100 010 001 एंड सिमिलरली यू कैन राइट i4 i5, इट इज़ अप टू यू. और i1 भी लिखना चाहें तो i1 एज यूजुअल ओनली 1 1 बाय 1. तो ये था यूनिट मैट्रिक्स. और कई बार लोग इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं. ज़्यादातर ये प्रैक्टिस में आइडेंटिटी के नाम से है. लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, एक एडिशन का आइडेंटिटी होता है, एक मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी. यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है. पर भी ये यूजुअली प्रैक्टिस में है कि जब भी व्हेनेवर यू आर सेड दैट कंसीडर एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स यू नीड टू कंसीडर अ मैट्रिक्स लाइक दिस. अब आप देखिए यूनिट मैट्रिक्स के बाद है आपके पास जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स और अ नल मैट्रिक्स. जीरो भी कहेंगे, नल भी कहेंगे, नल. अ मैट्रिक्स which contains only
0, 0, and so on, and denoted by capital letters of alphabet, capital letter of alphabet, particularly by O, only by O, capital letter of alphabet O. For example, O, this is a null matrix of order 1 by 1. This is 0 and this is O. 0, 0. Of order 2 by 1. आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं 2 by 1, 2 by 1, no issue. आप O2 लिख रहे हैं. O2 का मतलब है कि आप 2 by 2 का ही लिखेंगे. 2 by 2 का null matrix. O3 means 3 by 3 का. Usually O1, O2, O3 नहीं लिखते. Question के basis पे इसे design कर लेते हैं. जैसे पूरा question अगर 2 by 2 matrix का है तो O 2 by 2 का ले लेंगे. अगर पूरा question 3 by 2 पर है तो O का order 3 by 2 ले लेंगे. इस तरह से ये हुआ null matrix, zero matrix, which is denoted by O. अब आपको matrix में equality समझना जरूरी है कि equality of matrices is what. Equality क्या चीज़ है? Equality अगर दो matrices हैं, suppose if you are having two matrices, A is equal to Aij, M cross N, and B is equal to Bij, M cross N, then A is equal to B, if and only if Aij is equal to Bij, for all I J. और I J कहाँ से कहाँ तक होंगे वो आपको मालूम है. I will be from 1 to M, J will be from 1 to N. तो ये matrices दो तभी equal होंगे. For example, 2 3 2 4 is not equal to 2 3 2 4 0 0 because they are having different orders. It is having 2 by 2 order and its order is 2 by 3. Therefore, they cannot be equal. Whether they are 0 or not 0. But the first thing, they must have same order. Ab dusri cheez dekhiye. A ek matrix hai, 2 1. B dusra matrix hai, 1 2. A is not equal to B. Why? क्योंकि एलिमेंट्स की पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा. सेट्स में आपने देखा होगा कि सेट में पोजीशन कुछ भी हो सकती है एलिमेंट्स की, लेकिन यहाँ इस तरह से नहीं है. देयर पोजीशन इज डिसाइडेड. अगर एक बार वंस इट इज डिसाइडेड यू कैन नॉट चेंज. तो ए इज नॉट इक्वल टू बी बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट एलिमेंट्स एट डिफरेंट पोजिशंस. अब एक एलिमेंट, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का मैट्रिक्स बराबर होगा. 2 4 1 3 1 0 इज इक्वल टू 2 1 1 द सेम मैट्रिक्स 4 3 0. दिस काइंड ऑफ मैट्राइसेस विल बी इक्वल मैट्राइसेस. इनमें एक कभी कभी छोटे छोटे से सवाल आते, उसमें से मैं आपको एक सवाल डिस्कस करके बताता हूँ. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड एक्स वाई जेड इफ एक्स प्लस वाई इज 3, वाई प्लस जेड इज 5, जेड प्लस एक्स इज 4. अब आप देखिए कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करना है. तो दिस इम्प्लाइज, व्हाट डज इट इम्प्लाय? इट इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इज व्हाट? 3. वाई प्लस जेड इज 5. जेड प्लस एक्स इज 4. अब आप एक्स वाई जेड बाय एनी मीन्स किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं.
मैं बड़ा आसान तरीका इस्तेमाल करता हूँ, इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, 1 2 3, एडिंग 1 2 एंड 3 विल गिव, देखिए x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, z प्लस जेड 2z, 3 प्लस 5 प्लस 4, 3 5 4, 3 5 9 8 प्लस 4 12, विच इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। इसको नंबर दे दें आप 4। नाउ यूज दिस ऑपरेशन, 4 माइनस 1, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल, लेफ्ट साइड विल हैव जेड ओनली, राइट साइड 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 2। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो आपके पास केवल बचेगा x, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 3 इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस जेड, जेड और x कैंसिल, केवल आपके पास बचेगा y, 6 माइनस 4 इज 2। सो फाइनली योर आंसर इज दिस, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। आप कोई दूसरी टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। अब देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। लेटर ऑन वी शैल डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आप देखिए एडिशन एक में ही लिख देता हूं मैं, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सपोज यू आर हैविंग टू मैट्रिसेस ए ए आई जे एम क्रॉस एन, बी बी आई जे एम क्रॉस एन, देयर ऑर्डर्स मस्ट बी सेम। वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड, देयर ऑर्डर्स मस्ट बी सेम। देन ए प्लस माइनस बी, प्लस और माइनस, ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन, फॉर एग्जाम्पल 2 3 1 4 प्लस 1 2 3 4 इज इक्वल टू, दोनों का ऑर्डर सेम होगा 2 बाई 2 2 बाई 2, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 2 से कौन ऐड होगा, 3 से कौन ऐड होगा 2, 1 से कौन ऐड होगा 3, 4 से ऐड होगा 4। इस तरीके से एडिशन होगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट सब्ट्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स ए 3 1 2 1 0 4, B इज इक्वल टू 1 2 1 1 0 4, देन ए माइनस बी इज सेम 3 minus 1 2 1 minus 2 minus 1 2 minus 1 1 1 minus 1 0 0 minus 0 4 minus 4, इन दिस वे। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इस पे क्वेश्चन कुछ इस तरह के होते हैं, देखिए आप क्वेश्चन नंबर, मैं आपसे दो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो आपको और क्लियर करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज इक्वल टू 2 1 3 2, B इज इक्वल टू 1 2 1 1, देन A प्लस
b, then find लिख दे, then find a plus b and a minus b. तो a plus b क्या होगा, a plus b सेम जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा, बड़ा आसान, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 3. ए माइनस बी, 2 माइनस 1, 1 माइनस 2, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, ये हो गया. एक अगला ऑपरेशन है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, उसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स कैपिटल ए, ए आई जे एम क्रॉस एन, एंड लैम्डा इज एनी रियल नंबर. लैम्डा कोई रियल नंबर है, तो लैम्डा इंटू ए अगर आप करेंगे तो लैम्डा ए आई जे एम क्रॉस एन में मल्टीप्लाई होगा और सारे एलिमेंट से होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक नंबर है टू और आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये टू सारे एलिमेंट से हो जाएगा, 4, 6, 8, 2. अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए 1, 2 और इसको आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, 1, 2 को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 0, 0, मतलब ओ. दैट इज वाई 0 इंटू ए इज वॉट ओ. कीप दिस थिंग इन माइंड, कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. 0 इंटू ए इज वॉट, 0 इंटू ए इज 0 वैक्टर और नल वैक्टर. तो आपको अगला सवाल मैं बताता हूँ जो इसी टाइप का है. क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इज सेम बी इज सेम देन फाइंड 3a माइनस 2b. तो इस केस के लिए क्या करेंगे आप, 3a माइनस 2b के लिए 3 टाइम्स a माइनस 2 टाइम्स b, 3 इंटू 2 1 3 2 1 2 1 1. पहले आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, 9 6 माइनस 2 4 2 2. कैलकुलेट करें, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, 9 माइनस 2 7, 6 माइनस 2 4. सो फाइनली योर आंसर इज दिस, 4 माइनस 1 7 4. अब आपसे अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं वो मैं बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 1 1 0 2, बी इज इक्वल टू 2 1 1 2 3 1, एंड 2a माइनस बी प्लस 3x इज इक्वल टू ओ, 3x इज इक्वल टू ओ, देन फाइंड x. तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वी आर गिवन सॉल्यूशन, वी आर गिवन 2a माइनस बी प्लस 3x इज इक्वल टू ओ. दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू बी माइनस 2a, x इज इक्वल टू 1/3 बी माइनस 2a. अब आप b माइनस 2a कैलकुलेट कर दें और उसको 3 से डिवाइड कर दें, तो देखें कैसे 1/3 राउंड ब्रैकेट और ये भी राउंड में, तो आप इसको ऐसा यूज कर लीजिए, कर ली b की वैल्यू रख दीजिए 2 1 1 2 3 1, माइनस 2 टाइम्स a 1 2 1 1 0 2. चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें, 2 माइनस 2 इंटू 1
जीरो, वन माइनस टू इंटू टू माइनस थ्री, वन माइनस टू माइनस वन, टू माइनस टू इंटू वन जीरो, थ्री माइनस टू इंटू जीरो थ्री, वन माइनस टू इंटू टू माइनस थ्री, और सारे एलिमेंट्स को थ्री से डिवाइड कर दें। तो सारे एलिमेंट्स अगर आप थ्री से डिवाइड कर देंगे तो यू विल फाइंड जीरो माइनस वन माइनस वन बाय थ्री, जीरो वन माइनस वन। सो दिस इज योर आंसर, एक्स विल बी दिस। तो ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स जिसमें हमने इस तरह का देखा। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसी इन्हीं ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए आप, इफ x प्लस टू वाई इज इक्वल टू वन टू जीरो वन, थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू वन वन जीरो, देन फाइंड x एंड y। तो क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है x प्लस टू वाई इज इक्वल टू वन टू जीरो वन, थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू वन वन जीरो। तो जैसे आप क्लास टेंथ में साइमल्टेनियस इक्वेशंस करते थे, y y को बनाते थे इक्वल या x x को इक्वल बनाते थे, तो उसको इक्वल बनाएं और इसको सॉल्व करें। तो किस तरीके से देखें हम करेंगे इसको, सपोज दिस इज नंबर वन एंड दिस इज नंबर टू, नंबर वन और नंबर टू। तो आप देखें कि वन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, आप समझ सकते हैं थ्री से, और इससे सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हमारा पहला होगा वन इंटू थ्री माइनस टू इंटू नथिंग मीन्स वन, तो टू इंटू वन करके इसको कर दें। तो वन इंटू थ्री से आपकी इक्वेशन का स्वरूप क्या होगा वो देखिए, आपकी इक्वेशन बन जाएगी, देखें कैसी बनती है, थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई। आप देखिए थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई, थ्री से मल्टीप्लाई कर दें, थ्री सिक्स जीरो थ्री। अब टू को आपको वन से मतलब कुछ भी नहीं करना है, थ्री एक्स माइनस वाई टू वन जीरो सॉरी टू वन वन जीरो। अब इन दोनों इसको इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके ऑफ कोर्स साइन चेंज होंगे, थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स कैंसिल, सिक्स वाई प्लस वाई सेवन वाई, थ्री माइनस टू वन, सिक्स माइनस वन फाइव, जीरो माइनस वन माइनस वन, थ्री माइनस जीरो थ्री, और अब सेवन से डिवाइड कर दें, वन बाय सेवन फाइव बाय सेवन माइनस वन बाय सेवन थ्री बाय सेवन, ये है एक्स। इसी तरह से हम वाई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए बड़ा वही तरीका है जो हमारे पास एज यूजुअल, कि y के कोफिशियंट्स इक्वल कर दें, या फिर x की ये y की सॉरी x की वैल्यू निकालना चाहेंगे हम, तो y की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, या फिर आप इक्वेशन नंबर वन को वन से मल्टीप्लाई कीजिए और टू को टू से कर दें, ताकि ये भी टू आए ये भी टू आए, और फिर ऐड कर दें। तो वन को आप वन से मल्टीप्लाई करें मतलब नो चेंज, टू को आप टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, आपकी इक्वेशन होगी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू वन टू जीरो वन,
और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस 2y, ये सारे एलिमेंट्स भी 2 से मल्टीप्लाई होंगे। अब आप ऐड कर दें, 7x 5 4 2 1 विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5/7 4/7 2/7 एंड 1/7। तो ये है आपका x और ये है y। इस तरीके से आप x और y निकाल सकते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 7 देखा, जिसमें हम समझ सकें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से और कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आज हमने देखा कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या हैं, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, मैट्रिक्स का नोटेशन क्या है, मैट्रिक्स में लगने वाले जो ऑपरेशन हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और क्लास ट्वेल्थ का शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ना आता हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें, आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें और आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि कुछ ऐसे दोस्त जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं जो इसका फ़ायदा ले सकते हैं उन्हें इसका फ़ायदा ज़रूर मिले। और मेरी आपको सबको बेस्ट विशेष है, विश यू ऑल द बेस्ट।